तो चलो प्यारे बच्चे, इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें एक अच्छा सा प्रॉब्लम है, कहता है पर्सन अप्लाई ए कॉन्स्टेंट फोर्स एफ ऑन ए पार्टिकल ऑफ मास एम, फाइंड दैट पार्टिकल मूव इन ए सर्कल ऑफ रेडियस आर। वाह वेरी गुड, ध्यान रखना कि फोर्स कॉन्स्टेंट है, फोर्स एक वेक्टर है, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों में कॉन्स्टेंट है, और यूनिफॉर्म स्पीड वी से मूव करा सी फ्रॉम द इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, मतलब ग्राउंड से अगर देख रहे हो सर्कल में मूव करा है तो सेंटिपिटल फोर्स तो सेंटर की तरफ आएगा ही आएगा यार। एक तो फोर्स ऐसा आएगा जो सेंटिपिटल दे सर्कल की तरफ, बाकी कुछ और बैलेंस वगैरह कर रहे होंगे। तो कहता है कि एक तो कांस्टेंट लग रहा है और जो कभी चेंज ही नहीं हुआ, इसके अलावा और फोर्स भी लग रहे होंगे, दिस इज नॉट पॉसिबल। देखो अगर सर्कल में चल रहा, पर्सन को लग रहा है सर्कल में चल रहा है, तो अगर कोई ग्राउंड से देखता है ऑब्जर्वर और उसको अगर ये सर्कल में जाता हुआ नजर आ रहा है, तो सबसे पहले ये देखो जो इस पे कांस्टेंट फोर्स लग रहा है, मान लो कांस्टेंट फोर्स एफ ऊपर लग रहा है, हर पॉइंट पर अगर पार्टिकल है तो कांस्टेंट फोर्स ऊपर लग रहा है, तो ये जो पर्सन लगा रहा है, जो जो बताया गया है वो वाला फोर्स है, ठीक है ना। ये फोर्स कभी बदला ही नहीं बच्चों, क्वेश्चन में ऐसा सवाल में बोला गया है कि ये फोर्स तो कभी नहीं बदल सकता, क्योंकि क्वेश्चन का कंडीशन है, तो ये फोर्स कभी बदल नहीं सकता। अब दिक्कत क्या है कि इस बंदे की दिक्कत ये है कि ये बंदा सर्कल में देख रहा है इसको जाता हुआ, तो ये कहेगा कि सेंट्रीपिटल फोर्स सेंटर की तरफ कोई ना कोई तो फोर्स जरूर होगा जो सेंट्रीपिटल एक्सलेशन वी स्क्वायर ओवर आर देगा, या सेंट्रीपिटल जो फोर्स है सेंटर की तरफ एम वी स्क्वायर ओवर आर, कोई ना कोई एक तो ऐसा होगा जो सेंटर की तरफ आ रहा होगा। तो अगर एक अकेला एफ रहता तो ये सर्कल में कभी चलेगा ही नहीं, ऐसा इम्पॉसिबल है। तो दिस इज नॉट पॉसिबल, सर्कल में मूव करना पॉसिबल है, हो सकता है और भी फोर्स प्रेजेंट हो, देयर आर अदर फोर्सेज ऑन पार्टिकल। वेरी गुड, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, और फोर्स होंगे तभी तो सर्कल में चलेगा, ठीक है ना। तो कोई और फोर्स होगा जो कोई मान लो एक इधर लग रहा होगा, मान लेते हैं एक इधर लग रहा होगा और एक इधर लग रहा होगा, ठीक है, तो ये इसको कैंसिल कर दे रहा होगा और ये इसको सेंट्रिपिटल दे दे रहा होगा, तो ऐसा कुछ सिनेरियो, तो अदर फोर्सेस आर प्रेजेंट, हो सकता है अदर फोर्स हो, क्योंकि अकेला असंभव है। चलो तो ये ऑप्शन सही है, द रिजल्टेंट फोर्स ऑन द पार्टिकल एम बी, देखो रिजल्टेंट ये कोई ज़रूरी नहीं है, रिजल्टेंट फोर्स हमेशा सेंटर की तरफ आएगा, क्योंकि अगर ये जो कांस्टेंट फोर्स है तो वो जो वो तो डायरेक्शन में कांस्टेंट है, तो रिजल्टेंट फोर्स द रिजल्टेंट ऑफ द अदर फोर्स, अदर फोर्सेस का रिजल्टेंट एम बी स्क्वायर टू आर द सेंटर देगा, ये बात भी कहा नहीं जा सकता ना ऐसे यार। तो अदर फोर्सेस मान लो ये वाला और ये वाला, ए एफ वन है और ए एफ टू है, तो इनका रिजल्टेंट तो इधर आ रहा है भाई, तो सेंटिपिटल तो ये देगा नहीं, सेंटर की तरफ जा ही नहीं रहा है, ठीक है। तो रिजल्टेंट ऑफ अदर फोर्सेज टू आर द सेंटर, ये भी बिल्कुल गलत बात है, तो सेंटर की तरफ सेंटिपिटल दे कौन रहा है, तो सेंटिपिटल दे रहा है कोई ना कोई सेंटर की तरफ आ रहा होगा, या इन सभी का रिजल्टेंट सेंटर की तरफ है, बात समझ में आ गई। दूसरा तो ये ऑप्शन गलत है, द रिजल्टेंट ऑफ द अदर फोर्सेज वेरी मैग्नीट्यूड एलिवेटेड, हाँ जो अदर फोर्सेज है ये तो बिल्कुल सही है, अदर फोर्सेज का रिजल्टेंट और डायरेक्शन इस तरह से सेट होगा कि अगले मोमेंट अगर पार्टिकल यहाँ है तो ये वाला फोर्स तो फिक्स है, ये वाला जो फोर्स है वो फिक्स है, तो अदर फोर्सेस का जो जो लग रहे थे उन अदर फोर्सेस का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चेंज होना पड़ेगा, तभी सेंटर की तरफ नेट फोर्स आएगा और सेंटीपिटल मिलेगा। तो ये डी ऑप्शन सही है आपका। तो कुल मिला के इस सवाल में अपना ए और, ठीक है ना, बी और डी ये दोनों ऑप्शन है, अदर पार्टिकल देर आर अदर फोर्सेस और ये वाली चीज़, तो बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। आई होप कि आप इसको इंजॉय किए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।